हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल ग्लैमस लक्ष्मी एंड मैं हूँ लक्ष्मी। होप आप सब भी फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो ना ग्रीन साड़ी हॉल होने वाला है। जितनी भी साड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी सारी ही ग्रीन कलर की हैं एंड बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, अंडर 1000 है, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग साड़ी ही बहुत अच्छी हैं। तो चलिए मैं आपको एक करके साड़ी दिखाऊं। उससे पहले ना, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जो बगल में बेल आइकन है उसे भी हिट करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए मैं आपको एक करके साड़ी दिखाती हूँ। जो फर्स्ट साड़ी है ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सी साड़ी है, जो कि रामा ग्रीन कलर की है एंड बॉर्डर वाली साड़ी है ये। और जो मैंने पहन रखा है ना, ये वाली साड़ी भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं रेड ब्लाउज रेड चूड़ी क्यों पहन के बैठी हूँ, तो इसमें ये ऐसे प्रिंट है, इसके लिए मैंने ये थोड़ा सा मरून शेड में इससे मैच करता हुआ ब्लाउज वेयर किया है एंड ये चूड़ी पहनी है। एक्चुअली चूड़ी मेरे पास इतनी ही थी तो मैंने एक हाथ में ही पहना है। ये कुछ इस तरीके की साड़ी है। इसमें की एक और ग्रीन कलर की भी साड़ी का आपको रिव्यू देखने को मिलेगा, तो बने रहिए चैनल के साथ। अगर ये वाला कलर नहीं अच्छा लगता तो वो देख सकती हैं। ये रामा ग्रीन कलर की साड़ी है, येलो का ऐसा ये इसमें पैटर्न है लाइनिंग का, जो कि वुवन वर्क हो रखा है। ऊपर की साइड में ऐसा बॉर्डर मिलता है जो कि स्टोन वर्क में है एंड ये वाला पैटर्न मिलता है। ये वाला पैटर्न इस टाइम 4-5 महीने से बहुत ज़्यादा फैशन में इन है इस तरीके का। कॉर्नर्स में ऐसे टसल्स मिलते हैं ये इस तरीके के एंड ये वाला स्टोन वर्क वाला बॉर्डर मिलता है पतला सा। और शिफॉन फैब्रिक में साड़ी है, फैब्रिक का क्वालिटी बहुत अच्छा है। जहाँ से पल्ला स्टार्ट करते हैं वहाँ से ये वाला बॉर्डर मिलता है। और ये साड़ी ऑल ओवर साड़ी है, तो ज़्यादा कुछ इसमें बताने के लिए नहीं है। पूरी ही साड़ी में ऐसी ही खड़ी खड़ी लाइनिंग मिलती है, पूरा लास्ट तक ये वाला पैटर्न मिलता है ऐसा। एंड जितना फर्स्ट ब्रेक में जाता है ना, उतना सा ऐसा पोर्शन खाली है जिसमें ये बॉर्डर नहीं है, बाकी का पूरे में बॉर्डर मिलता है। एंड इसमें ये मिलता है ब्लाउज के लिए फैब्रिक, जो कि डुपिन सिल्क फैब्रिक है। फैब्रिक का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है इसके। येलो कलर का एकदम चिकना सा फैब्रिक मिलता है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है कि फिटिंग अच्छी ना बैठे एंड थिन भी नहीं है कि ट्रांसपेरेंट हो। फैब्रिक का क्वालिटी A1 है, टोटली अपने रेंज को जस्टिफाई कर रही है। बहुत ही प्यारा सा ये कलर है एंड बॉर्डर मिलता है, जो कि आप अपने स्लीव में या फिर बैग में बनवा सकती हैं। और इस साड़ी से गर्ली लुक भी क्रिएट कर सकती हैं, कोई पार्टी में भी पहनना चाहें तो लाइट वेट साड़ी है, पहन सकती हैं, अच्छी लगेगी। हालांकि वैसे तो जो साड़ी जो मैंने पहन रखी है, ये साड़ी भी पार्टी वियर है, बहुत सुंदर सी साड़ी है। सीक्वेंस का काम हो रखा है, आई होप आप इसको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। बहुत ज़्यादा प्यारी सी साड़ी है ये। इसके साथ जैसा ये बॉर्डर नहीं है, सेम ऐसा ही ब्लाउज के लिए फैब्रिक मिलता है। लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो परचेज कर सकती हैं, बहुत प्यारी सी साड़ी है। और ये जो मैंने इयररिंग्स पहने हैं ये बहुत ही पुराने हैं, 2-3 साल। आज मुझे दिख गए, मैं ढूंढ रही थी दूसरी ज्वेलरी और मिल गई ये वाली, इतनी प्यारी सी थी। ये AD ज्वेलरी है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, इसके लिए मैंने आज ये पहन लिया। मुझे पता था आप लोग लिंक मांगेंगे, तो बहुत मुश्किल है कि इसका लिंक मिल पाए क्योंकि बहुत पुराना है हो गई है। नेक्स्ट जो ग्रीन साड़ी है, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी सी साड़ी है, ऐसे बॉर्डर वाली साड़ी है। अगर आपने नोटिस किया हो तो ऐसी साड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा फैशन में हैं एंड ये वाले बॉर्डर वाली खास करके। ये मैं दिखा रही हूँ पूरा ही ग्रीन कलेक्शन की, अगर आप सावन में पहनने के लिए लेना चाहती हैं तो भी ले सकती हैं एंड वैसे भी किसी की मेहंदी फंक्शन में पहनना है तो भी आप ये वाली साड़ी ले सकती हैं। ब्राइड है, शादीवादी है तो भी ले सकती हैं, अच्छी लगेगी, बहुत ही प्यारी सी साड़ी है। ऐसा ही बॉर्डर पूरे साड़ी में मिलता है इस तरीके के कॉन्सेप्ट में एंड सेम बॉर्डर में ना आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में साड़ियाँ मिल जाएंगी, बांधनी पैटर्न में, टाई एंड डाई प्रिंट में। तो देख सकती हैं फैब्रिक बहुत ही बढ़िया, एकदम सॉफ्ट सिंथेटिक टाइप का फैब्रिक है। मीशो पे सीफोन मेंशन किया हुआ है, लेकिन ये सीफोन का नाम सुन के ऐसा नहीं सोचिएगा कि मजबूती नहीं होगी फैब्रिक में या फिर कलर छोड़ देगा। ये मजबूत भी बहुत अच्छी खासी है, रगड़ के घर में पहन सकती हैं एंड वैसे छोटे मोटे ओकेजन में भी पहन सकती हैं। दुल्हन है, ससुराल में पहनने के लिए लेना चाहती हैं तो बढ़िया है, सारा दिन पहन के रख भी सकती हैं। कलर बहुत अच्छा है इसमें, 3-4 कलर ऑप्शन आपको और भी मिल जाएगा, रेड, येलो, ग्रीन। तो इसके अलावा भी किसी कलर पे जाना चाहे तो जा सकती हैं। और जो मैंने पहले दिखाई ना, उसमें तो 7-8 कलर ऑप्शन है। ये वाली साड़ी 659 की है, जहाँ से पल्ला स्टार्ट करते हैं वहाँ से ये वाला बॉर्डर मिलता है एंड बाकी की पूरी ही साड़ी में सेम ये ऐसा जिगजैग वाला लहरिया पैटर्न मिलता है इस तरीके का एंड बॉर्डर कंटिन्यू है। फैब्रिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, एकदम लचीला फैब्रिक है। लास्ट में ये इतना थोड़ा सा ही ऐसा खाली पोर्शन मिलता है जिसमें बॉर्डर नहीं है, बाकी का पूरे में बॉर्डर मिलता है। और ये इसमें डुपिन सिल्क फैब्रिक में ब्लाउज़ के लिए फैब्रिक मिलता है, इसका भी फैब्रिक का क्वालिटी बहुत अच्छा है। 80 सेंटीमीटर ब्लाउज़ का फैब्रिक है पूरा ये जितना है एंड
इतना सा बॉर्डर मिलता है जो कि या फिर आपके स्लीव में आएगा या फिर बैक में आएगा। बहुत पतली दुबली है तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, ब्लाउज में बैक में जो दो स्टिचिंग नहीं किया जाता, सिलाई मारी जाती है, तो उसके बीच में लगवा लेते हैं। चाहे तो लगवा सकती हैं, वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता। उससे अच्छा है कि अगर आपको इतना शौक है तो कोई लेस लगवा लीजिए पूरा, जो कि इस साइड से लेके पूरा इधर तक आए, वो बीच में थोड़ा सा जमता कम है। एंड अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट साड़ी जो है बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है। ये कुछ इस तरीके की अगेन रामा ग्रीन कलर की साड़ी है। कैटलॉग में एकदम डार्क ग्रीन दिख रहा था, लेकिन आई है तो रामा ग्रीन कलर की आई है। आज के हॉल की बहुत अच्छी बात ये है कि आज ना आपको हर तरीके की ग्रीन कलर की साड़ियाँ देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रीन देखने को मिलेगा। ये साड़ी 499 में है। एक्चुअली मैं जब साड़ी ऑर्डर कर रही थी ना, तो मैंने मिंत्रा से 956 की साड़ी ऑर्डर करी थी, सेम ऐसी ही रेड कलर की। तो ये मुझे दिख गई मीशो पे 499 में। तब मैंने सोचा कि जब सेम साड़ी अगर दुगने प्राइस में मिल रही है तो मैं मंगा के देखती हूँ कि दोनों में फर्क क्या है। तो इसके लिए मैंने मंगाया था, जिस किसी वीडियो में आई थिंक मैंने कंपैरिजन शेयर किया है, सेपरेटली तो नहीं, किसी वीडियो में ही शेयर किया है दोनों साड़ी दिखा के। तो अगर चाहिए होगा तो बताइएगा, लिंक मैं शेयर कर दूंगी। बहुत ही प्यारी सी साड़ी है, जॉर्जेट का फेब्रिक मिलता है, बॉर्डर वाली साड़ी है ये। एंड इसका ब्लाउज तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ब्रोकेड फेब्रिक में ब्लाउज मिलता है, ये देखिए। एंड ये जो मैंने चूड़ी पहनी है ना, ये मीशो की है, ये देखिए। और ये साड़ी भी मीशो की है। ये इतना सा बॉर्डर मिलता है, ये कहीं से धागा खिंच गया है, ये मैंने रखा है 500 के अकॉर्डिंग। बहुत ही प्यारी सी साड़ी है, मैंने सोचा था किसी को देने में भी काम आ सकती है, वैसे भी काम आएगी, घर वर में भी पहनने में भी अच्छी है। ये इतना सा बॉर्डर मिलता है जो कि इस तरीके का है, किनारे में ऐसा बॉर्डर मिलता है और नीचे के साइड में ये इतना चौड़ा सा ब्रोकेड बॉर्डर मिलता है। जॉर्जेट का फैब्रिक है एंड इसमें आपको 10-12 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, और सेम ही साड़ी मिंत्रा पे आपको 900 में मिलेगी। तो अगर परचेज करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, क्वालिटी से बहुत अच्छी है, 500 में है। और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगी ना तो हो सकता है आपको 400 समथिंग में ही मिल जाए, अगर आप ऐसा कुछ कुछ ऑप्शन मिलता है ना कि अगर आप रिटर्न नहीं करती हैं, रॉन्ग आने पर ही रिटर्न करती हैं, तो आपको और भी कम में मिल जाएगी, ये ऑप्शन रहता है। एंड कूपन जो मिला रहता है, जैसे कोई चीज परचेज करते हैं तो पॉइंट्स मिलते हैं, वो कुछ कटवा सकती हैं। और एक ऑप्शन होता है ऑनलाइन, अगर आप पेमेंट कर देती हैं UPI से तो भी आपको मिल जाएगा। इस तरीके से हो सकता है 400 समथिंग में भी ये साड़ी आपको मिल सकती है। मुझे 499 में पड़ी है क्योंकि मैंने COD भी किया था। ये जहाँ से पल्ला स्टार्ट करते हैं वहाँ से बॉर्डर मिलता है, जो कि पतला है, इस तरीके का बॉर्डर है एंड मरून शेड में है। इस वाली ब्लाउज के साथ बहुत अच्छे से जाएगा, आप लोग ट्राई ऑन में देख सकते हैं। एंड नीचे के साइड में ऐसा बॉर्डर है पूरे में, रामा ग्रीन कलर की साड़ी है। इधर फ्रंट प्लीट बनाते हैं, इधर में भी पूरे में है। एंड सारी ही साड़ियाँ लंबाई चौड़ाई से एकदम परफेक्ट है, कोई भी साड़ी ऐसी नहीं है जो छोटी हो। 5.5 मीटर की साड़ी है एंड ऊंचाई से इतनी अच्छी, हाइट 5'7" है तो भी आपको छोटी नहीं आएगी। ये इतना सा फैब्रिक खाली मिलता है, ये देखिए, ये इतना सा फैब्रिक खाली है जितना कि फर्स्ट ब्रेक में ही जाएगा। एंड साड़ी की क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छी है। एंड उसी पे सोने पे सुहागे वाली बात ये है कि इसका ब्लाउज जो है वो एक नंबर है, मरून कलर का फुल्ली, ये देखिए, वुवन वर्क का ब्लाउज मिलता है, एकदम डार्क वाला मरून कलर है जैसा मैंने पहन रखा है, इसी से मिलता जुलता हुआ ये इस तरीके का वुवन वर्क हो रखा है। ये वीडियो में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, आप वीडियो में देख रहे हैं ना, उससे भी ज्यादा ये एक्चुअल में अच्छा है ब्लाउज का फैब्रिक। इस तरीके से देखिए, बारीक बारीक सा वुवन वर्क हो रखा है, साड़ी बहुत ही ज्यादा प्रिटी है। अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट साड़ी जो है एकदम डार्क ग्रीन कलर की है, ये कुछ इस तरीके की डार्क ग्रीन कलर की साड़ी है, और ये अगेन बहुत ही प्यारी सी साड़ी है, जॉर्जेट फैब्रिक में, प्योर जॉर्जेट फैब्रिक मिलता है। एंड ये साड़ी मिंत्रा की है और साड़ी मॉल की साड़ी है। किनारे में ये इस तरीके के देखिए ऐसे टसल्स मिलते हैं, जो कि ऐसे बहुत ही मतलब मजबूती वाले हैं, ऐसा नहीं है कि निकल जाएंगे, सिले हुए हैं ये पीछे से, और ये ऐसा सिलाई करके ये लगा के आया हुआ है। वेट मैं उल्टा दिखा रही थी। ये ऊपर के साइड में ऐसा बॉर्डर मिलता है एंड सेम टू सेम ऐसा ही बॉर्डर नीचे में मिलता है, और पूरी ही साड़ी में ये छोटे छोटे से प्रिंट मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। मैंने एक वीडियो में पहना हुआ था, बहुत प्यारी लग रही थी ये वाली साड़ी, ग्रीन ब्लाउज एंड उसके साथ इसका जो ब्लाउज है वुवन वर्क वाला है, अभी मैं दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा प्यारी सी साड़ी है, ऑल ओवर साड़ी है, ऊंचाई से एकदम परफेक्ट है, लंबाई से 5.5 मीटर है, और ये वाली साड़ी 733 की है। प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही प्यारी
वाली है ये साड़ी। प्राइस रेंज जैसा है इसका उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है एंड इसके कई सारे कलर ऑप्शन हैं। ये नहीं अच्छा लगता तो कोई और भी ले सकती हैं। एंड अगर आपको सावन में पहनने के लिए चाहिए या फिर ससुराल में पहनने के लिए चाहिए तो कलर भी एकदम परफेक्ट है और डेली वेयर के लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन है। लाइट वेट साड़ी है एंड इसमें मिलता है ये कुछ इस तरीके का 80 सेंटीमीटर ब्लाउज का फैब्रिक। ये भी डार्क ग्रीन कलर का है, सिल्क फैब्रिक में ब्लाउज है, सेटिन सिल्क ब्लाउज का फैब्रिक मिलता है और इसमें ये पूरा ही वुवन वर्क हो रखा है। इस तरीके का वुवन वर्क मिलता है। ब्लाउज एंड साड़ी का जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत प्यारा है, ये देखिए इस तरीके का। और इसके साथ यही ब्लाउज पहनेंगी तो ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। और अगर हैवी लुक क्रिएट करना चाहती हैं तो वेलवेट के भी ब्लाउज इस टाइम बहुत ज़्यादा फैशन में इन है, कैरी कर सकती हैं। अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट साड़ी दिखाती हूँ। एंड नेक्स्ट जो है तो ये मैंने फर्स्ट में आई थिंक जो दिखाई थी ना साड़ी उसी का सेम कॉपी है ये, लेकिन ये जो है तो ये मेहंदी ग्रीन कलर में है एंड इसमें भी ये स्टोन वर्क वाले बॉर्डर मिलते हैं और स्टोन वर्क इस टाइम बहुत ज़्यादा फैशन में इन है। देखिए मैंने पहना है ना, इसमें भी स्टोन वर्क हो रखा है। ये कॉर्नर में ऐसे टेसल्स मिलते हैं, 3-4 टेसल्स हैं जो कि उतने खास नहीं हैं, चाहे तो निकाल भी सकती हैं। ये येलो कलर का ऐसा काम है, इसमें 7-8 कलर ऑप्शन आपको और मिल जाएंगे, जो कलर अच्छा लगता है वो ले सकती हैं। दो कलर तो आपने सामने ही देख लिए हैं। ये इस तरीके का देखिए वुवन वर्क हो रखा है, येलो कलर से लाइनिंग का पैटर्न है, लेकिन जो मैंने फर्स्ट में दिखाया था उस से ज़्यादा इस वाले कलर के साथ मुझे अच्छा लगा। आप लोग बताइएगा कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। येलो कलर भी इसमें का है, अगर आपको हल्दी फंक्शन पहनने के लिए चाहिए तो ले सकती हैं। येलो भी इसका बहुत प्यारा था एंड ये तो ग्रीन कलर है, मेहंदी में पहनना है तो भी ले सकती हैं। आजकल हल्दी में पिंक कलर बहुत पहना जा रहा है तो पिंक कलर ट्राई कर सकती हैं। एंड 586 की साड़ी है, बहुत ही सुंदर सी साड़ी है। नीचे में भी सेम ऐसा ही बॉर्डर कंटिन्यू है, ऑल ओवर साड़ी है, 5.5 मीटर की साड़ी है, छोटी नहीं पड़ेगी प्लीट्स से। कभी ना कभी आप मुझे ये साड़ी पहने हुए देखेंगे एंड अगर आप इसका प्रॉपर लुक बुक देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लीजिए, मेरा इंस्टा हैंडल ग्लैमरस लक्ष्मी है। ये लास्ट में इतना सा फैब्रिक खाली मिलता है जिसमें बॉर्डर नहीं है, बाकी का पूरे में बॉर्डर मिलता है। और ये सेम ऐसा ही देखिए, ये इस तरीके का ब्लाउज का फैब्रिक मिलता है जैसे उसमें था ना, सेम वैसा ही येलो कलर का ये ब्लाउज का फैब्रिक है सिर्फ फैब्रिक में। एंड ये इतना सा बॉर्डर मिलता है जो कि स्लीव में या फिर बैक में बनवा सकती हैं। हाफ स्लीव का ब्लाउज बनवाएंगी तो भी अच्छा लगेगा और गर्ली लुक क्रिएट करना चाहती हैं तो कट स्लीव भी बनवाएंगी तो भी सुंदर लगेगा। मैं आपको आज का हॉल वीडियो की नेक्स्ट एंड लास्ट साड़ी दिखाती हूँ। ये ग्रीन है, टाई एंड डाई प्रिंट में है, सिल्क फैब्रिक में है। ये इस तरीके की साड़ी है, वेट मैं आपको पूरी ओपन करके दिखाती हूँ। ये ऐसी साड़ी है, किनारे में ऐसा बॉर्डर मिलता है जो कि इस तरीके के टसल्स बने हुए हैं। ये ऐसे देखिए, ऐसे बॉर्डर है जो कि फॉइल पेपर पे ये एम्ब्रॉयडरी हो रखी है एंड पूरी ही साड़ी सेम ऐसी ही है, बीच बीच में इस तरीके का एम्ब्रॉयडरी मिलता है। ये वाली साड़ी भी मिंत्रा की है और एक जो डार्क ग्रीन वाली मैंने दिखाई है, ये दो साड़ियाँ मिंत्रा की हैं। दोनों के लिंक मैं दे दूंगी, जो जो साड़ी जहां की है वहां के लिंक दूंगी तो आप लोग चेक कर सकती हैं। जहां से पल्ला स्टार्ट करते हैं वहां तक ये वाला बॉर्डर मिलता है, सिल्क फैब्रिक में है, फैब्रिक बहुत प्यारा है, साड़ी बहुत प्यारी है, इसमें कोई दूसरा कलर ऑप्शन नहीं है, ये ऐसे ही अपने आप में बहुत खूबसूरत है। अगर आप खुद के मेहंदी में भी पहनना चाहती हैं तो ले सकती हैं, कहीं कहीं पे ये बीच बीच में एम्ब्रॉयडरी मिलती है एंड पूरी ही साड़ी सेम ऐसी ही है। लास्ट में ये इतना सा फैब्रिक ऐसा खाली मिलता है जिसमें बॉर्डर नहीं है, ये इतना थोड़ू सा, बाकी का पूरे में है। और इसमें ये इस तरीके का ब्लाउज मिलता है और ये साड़ी हो सकता है आप मुझे पहने हुए देखें कभी ना कभी। इसी कलर का मेरे पास ब्लाउज है तो इसका ब्लाउज स्टिच करवाने की जरूरत नहीं है, तो इसके लिए इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, भूलिएगा नहीं, मेरा इंस्टा हैंडल ग्लैमरस लक्ष्मी है। ये इतना सा बॉर्डर मिलता है जो कि या फिर स्लीव पे आएगा या फिर ब्लाउज के बैक में डिजाइन बनेगा या फिर स्ट्रैप भी बनवा सकती हैं, इधर मत बनवाइएगा, एक साइड में स्ट्रैप भी बनवा सकती हैं, बहुत प्यारी लगेगी, पार्टी वेयर साड़ी बना सकती हैं, बहुत खूबसूरत है एंड कंट्रास्ट में भी इसके साथ ब्लाउज पहन सकती हैं, अच्छा लगेगा, पिंक कलर का ब्लाउज इसके साथ बहुत ही बढ़िया से जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी ही साड़ियाँ, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर साड़ी पसंद आई है इसमें से कोई भी या फिर कोई परचेज करने वाली है तो, और वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। मिलती हूँ मैं आपसे अंदर शॉपिंग हॉल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।